स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज बड़े दिनों बाद आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। दिल ही नहीं करता यार, टाइम ही नहीं मिलता कि यूट्यूब का व्लॉग तैयार करूँ और आपको क्या नाम लेते हैं नई से नई बात आपके साथ शेयर करूँ। अली पान शाह वालों की ये क्या करते हैं, इनका काम कैसे है, ये काम की वर्किंग कैसे जा रही है, हम वर्क कैसे कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना, अब आगे आ जाएं। काम करने के बाद थकावट इतनी हो जाती है ना, कसम से दिल नहीं करता कि कोई किसी काम को हाथ लगाए। टाइम भी माशाल्लाह 4-5 बज गए और 4:30 का टाइम हो गया है और काम करके ना बस सो चुकी होती है। इस टाइम ना दिल करता है या तो सो जाए। तुमसे पूछ के देखो कि यार जो रात के टाइम काम करते हैं उनकी क्या माइंड है, उनका घर क्या। आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और गवर्नमेंट जो है ना उसने तो ना हद कर दी है। मैं कहता हूँ आवाम को ना मारने की हद कर दी, कोई ऐसी हद नहीं छोड़ी उन्होंने कि जो वो ना करे। ठीक ही नहीं, और हर चीज़ पे टैक्स लगाता है। ये भी है ना, इस पर भी टैक्स लग गया। ये 60 रुपये की थी, अब ये 80 रुपये की हो गई। इसका नाम बूस्टर है, देख सकते हैं आप। तो खोलने को भी नहीं दिल करा कि इसको खोलूँ क्योंकि 80 रुपये पड़ जाने मुझे, पर 80 रुपये नुकसान तो नहीं ना करना शॉप का, इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, बाकी ये हारने वाले तो ना सारा दिन माइंड फटा रहता है। ठीक है ना, बाकी बात आपसे ये कहनी थी यूट्यूब के हवाले से कि यूट्यूब पता क्या कहता हमें। यूट्यूब कहता है कि इनकम हम देते हैं और ढेर सारी इनकम देते हैं। ठीक है ना, लेकिन इनकम लेने का भी कोई अंदाज इंसान का होना चाहिए। यूट्यूब हमसे काम लेता है, हम जो ये काम नहीं करते। ठीक है ना, तो यूट्यूब कहता है कि रोज़ाना बिना नागा एक वीडियो मुझे दो। जैसे हम अपनी शॉप को टाइम देते हैं ना, काम को टाइम देते हैं, हम काम करें, वैसे यूट्यूब भी चाहता है कि हमें एक वीडियो रोज़ाना दो। और वीडियो बनाने के लिए यार बड़ा टाइम लगता है, सच्ची मुझे इतना टाइम लगता है ना, आपको क्या बताऊँ। और सबसे बड़ी बात है खाली कैमरे का काम कमाल नहीं है, ये मैक्सिमम 2 या 3 लोग हो जब एक इंसान ने वीडियो बनानी हो, क्योंकि एक इंसान को मोबाइल पकड़ना होता है जो वीडियो बनानी होती है। ठीक है ना, फिर बाहर जाना, कोई जगह का व्यू अच्छा देखना, कौन सा व्यू अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, यानी कि हर चीज़ ना ये यूट्यूब के हवाले से करनी पड़ती है। ठीक है ना, बाकी यूट्यूब इज़ द बेस्ट यार, क्या बात है यूट्यूब वालों की। वो कहते हैं हमसे काम करो रोज़ाना, हमें एक वीडियो चाहिए। सिंपल सी बात है, हम काम करते हैं अपनी शॉप को टाइम देते हैं ना प्रॉपर। कोई भी इंसान अपने काम को टाइम देता है, जैसे कि आप अपनी वाइफ को बड़ा टाइम देते हो, उसके बगैर आपकी लाइफ नहीं है। अपनी दोस्त होगी, गर्लफ्रेंड होगी, उसको बड़ा टाइम देते हो, उसके बगैर लाइफ नहीं है आपकी। सिंगल लोगों के लिए एक फिलहाल मैं तो सिंगल हूँ यार, बाकी आगे का पता ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी शादी भी नहीं हुई और घर वालों को कह के थक गया हूँ कि शादी कर दो, शादी का कोई सीन नहीं अभी तक 4-5 साल तक। ठीक है, बाकी ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए जो यूट्यूब में अपना चैनल बनाया हुआ और बस वो चैनल नाम का ही बनाया। चैनल बनाया आपने यार, उस पर स्ट्रगल करो यार, उस पर रोजाना एक ही, कोई ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए का वीडियो अपनी ब्लॉग तैयार करके आप अपलोड कर दें यार। ये आपके लिए रिक्वेस्ट है यार, यूट्यूब का फ़ायदा लो। यूट्यूब आपको इनकम देती है, आप जितना गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगा रही है ना, आप यूट्यूब का इस्तेमाल करो। कन्फर्म नहीं यूट्यूब का इस्तेमाल करोगे अल्लाह की कसम, मैं कहता हूँ वारे न्यारे हो जाएंगे। आप करके तो देखो, बाकी थोड़ी पंजाबी भी चला लिया ये। बड़े लोगों ने मैंने कहा कि यार तू पंजाबी बोलिया कर, पंजाबी तेरे अच्छे सूट कर दिया तेनों, उर्दू ना बोलिया कर। तो बाकी सही गल है यार कि आप इंशाल्लाह यूट्यूब ना काम करना, मेरे ना वादा करो। अगर जो यूट्यूब ना काम करना हो रोज़ाना एक वीडियो मेरे ना वादा कर लो, मैं ही अज तो बाद कोई ना कोई एक अद्धी वीडियो डेली पाया करें, तुम्हें भी एक अद्धी वीडियो ना डेली यूट्यूब पर अपलोड कर दी, ताकि मेहरबानी होगी। नैक्सट वीडियो आप इंशाल्लाह मिलेंगे और तुम्हें पूछा कि किने किने वीडियो पाई है तो किने नहीं पाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।